सरकार ने रिफाइंड पाम तेल के अंकुश मुक्त आयात की सुविधा को 31 दिसंबर 2022 से अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य खाद्य तेल की घरेलू सप्लाई बढ़ाना और इसके तेल की कीमतों को कम करना है। दरअसल पिछले साल जून में सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक रिफाइंड पाम तेल पर आयात प्रतिबंध हटा दिया था, जब खाद्य तेलों की कीमतें तेजी से बढ़ी थी। बाद में इसे 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। वहीं डीजीएफटी ने एक अधिसूचना में कहा है कि खाद्य तेल की मुक्त आयात नीति पाम ऑयल या आरबीजी पाम तेल रिफाइंड ब्लीच डीओ ड्राइज्ड पामोलिन को अगले आदेश तक 31 दिसंबर 2022 से आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि केरल में किसी भी बंदरगाह के माध्यम से आयात की अनुमति नहीं है। इससे पहले ये आयात प्रतिबंधित श्रेणी के तहत थे, जिसमें एक आयातक को आयात की खेप के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस या अनुमति की आवश्यकता होती थी। वहीं आपको बता दें कि सी के अनुसार इंडोनेशिया में कम कीमतों के कारण पिछले 11 महीनों में भारत में रिफाइंड पाम तेल का आयात 2.5 गुना से अधिक बढ़कर 17,12,000 टन हो गया है। भारत दुनिया का प्रमुख वनस्पति तेल खरीदार देश है। भारत ने चालू 2021-22 तेल वर्ष की नवंबर सितंबर अवधि के दौरान 130,01,000 टन वनस्पति तेलों का आयात किया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 4% अधिक है। पाम तेल के आयात की हिस्सेदारी कुल वनस्पति तेल के आयात में 50% की है। भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल का आयात करता है और अर्जेंटीना से सोयाबीन तेल सहित कच्चे नरम तेल की एक छोटी मात्रा का आयात करता है और सूरजमुखी का तेल यूक्रेन और रूस से आयात किया जाता है। एक अलग अधिसूचना में डीजीएफटी ने कहा है कि उड़द और तुअर की मुफ्त आयात नीति को भी 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।